हम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। मैं हूँ आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? वाओ! ये वाओ आपने किस चीज पे बोला? पहले ये आपकी आज ड्रेसिंग ना जो है जी, ये बिल्कुल लाइट सी है। ड्रेसिंग लाइट सी कैसे? इस्लामाबाद तो जड़ी आंटी आउंदी ना, उसकी बड़ी बेटी आप जैसी होती है। जो शादी पे सारी शादी की डायरेक्शन देती होती है, पहले मेहंदी होगी उसके बाद आपने अनार चलाने, उससे पहले कोई भी अनार को हाथ नहीं लगाएगा, मैं कह रही हूँ ना आपसे। और मेन अनार जड़ा अपने लहंगे चला लेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? सही कह रहे हैं, बड़ी बेटी आपकी जैसी होती है और छोटी बेटी इसके जैसी होती है। आज तो बिल्कुल आपने ऐसा सूट पहना है जैसे पखे के आगे आइसक्रीम रख देना तो ऐसे मेल्ट हो जाती है। वैसे का सूट पहना है। समरी कलर है, आपको क्या पता? ब्रीजी फील आ रही है। समरी तेन तो पता होना, समरी केड़ा होता? ओहो, समरी कलर होता है जो समर्स में पहना जाता है, कूल कलर होता है। इस हल्के रंग दा पता की फायदा होता? क्यों हल्का रंग दा एडा महंगा सूट लेंदे ने? क्यों? इस तो बाद कई रंग दे उत्ते चढ़ जांदे ने भाजन। हमारी आज की पहली मेहमान एक बहुत मशहूर आरजे और एक्ट्रेस है। तशरीफ लाती है रेस कमाली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, इन दिस ब्यूटीफुल कलर। अरे आप कैसे हैं? आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं या कैसी हैं? पर आप तो वैसे के वैसे ही हैं, कोई तब्दीली नहीं, मतलब ना नया पाकिस्तान ना आप नए, पर आप तो हमेशा की तरह बहुत ही वाइब्रेंट है। आप सबका क्या हाल है? ओ आपके कान की बाली, हाय हाय हाय, मैं मतवाली। और आप, आपके ये बालों का कलर, क्या करूं मैं? यहाँ तो लड़कियों को बोलते हैं ना लोग के जी फैशन ये वो, लेकिन यहाँ आप चेक कीजिए फैशन। और ये सारे काले कोट, ये ना समझिएगा कि ये कोई वकील है, ये हमारा बहुत अच्छा सा बैंड है जी, ये ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। बिकॉज म्यूजिक तो हमेशा साथ साथ है, जैसे मैं आपके पास पास हूँ और हिना मेरे साथ है। हिना, आपको क्या कभी किसी ने ये बताया कि आप नेबरिंग कंट्री की एक जो बहुत प्यारी एक्ट्रेस है जूही चावला, उनसे मिलती जुलती हैं? इनकी मुस्कुराहट जूही चावला से मिलती हुई है, इनकी आंखें जब ये उठाती हैं तो बल खाती हैं, और इसके बाद इनका हंसना खिलखिलाना, क्या करूं मैं? यहाँ हर बंदे का एक अपना मिजाज है, अपनी सोच है, अपना एहसास है, अपनी पर्सनैलिटी है। और जब मैं होती हूँ यहाँ पे GNN के इस शो में और करती हूँ आप सबसे बातें, तो दिल मेरा चाहता है कि मैं बोलती रहूँ और चुप ना हूँ और चुप ना हूँ और कुछ कहूं, लेकिन कहना पड़ता है। कहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास अल्फाज हो, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इन्होंने, आपने इतना सारा काला खोला क्यों लगा लिया? I mean, आपके पास जितने डब्बे थे सभी एक साथ लगा लिया। I just noticed, इतने काले बाल तो किसी के भी नहीं होते। कितने हैंड ब्रेक खींचोगे तो ठीक काम करेंगे ना? क्या वैसे तालियां हो जाए, कितने अच्छे और खूबसूरत अंदाज में आपने सबको जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरह दी बीवियां होंदिया जिन्हां दे खामत 30-30 साल परदेश च कट दिंदे, ना घर जावांगे ना टटर सुनांगे, ते जे आ भी जाण ते कहणगे मैनूं जल्दी जाना है। मुझ मेरे ख्याल में ये मीठी बोली होती है, इस आवाज में चाशनी होती है। इना जी, इना दा कुछ और सोच लब लो ते गल्लां करी जांदे। भाई वो आरजे है, वो होस्ट है, वो इतना खूबसूरत बोल रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं तो सुनती रहूं। असीं वे खाना खा के वापस आए ने, देख तो बस सुन लेना। अब आपने और खाना खाना, पीछे बैक स्टेज बैठ के जो आप खाना खा रहे थे वो क्या था? किस रंग की टाई पहनी हुई आपने? और इसी रंग का आपने पर्स भी रखा हुआ, वो देखिएगा नीचे जरा, इन्होंने पर्स पड़ा हुआ है ना, मैंने पीछे देखा था बैक स्टेज। यार आपको क्यों पसंद है लड़कियों वाले कलर सारे? शुरू से और इतना काला रंग, मतलब मैं हैरान हूँ, इतना काला रंग, उफ अल्लाह, मैं किथे जावां? गुड़ खा के दुत्तो तो से दसो मैनू, मैं किथे जावां? नहीं, अच्छा इदां दीआं कुड़ियां ना गल्लां करदीआं अक्सर नाल दे घर वड़ जांदी, ओ फिर मैं किसी और घर आ गई, भाई जल्दी फिर कॉल करती हूं, मैं फिर कॉल करती हूं। नाम आपका बड़ा खूबसूरत है, रिजक कमाली। और उसका माली आप, रिस्क का माली, ठीक है? अगर तोड़ना है तो ऐसे तोड़े मेरे नाम को, रिस्क ना करें, रिस्क एक फूल का माली आप। अगर आप ही अगले मेहमान को बुला लें। अच्छा जी, ओके, इन्होंने नहीं बुलाना, इन्होंने घंटे अपनी गल्ला जी ला देना जी अपने स्टाइल में। वैसे मैं चाहूंगी आज आप आई हैं। अच्छा जी, तो मुझे ये कहा गया है कि मैं बताऊं कि मेरे साथ प्यारे से, अच्छे से, भोले से, भाले से मेहमान कौन है जो मेरे साथ यहाँ बैठेंगे, जो मुझे टुकुर टुकुर देखेंगे, तो ऑब्वियसली
अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैक स्टेज बात भी कर रहे थे चाय का सिप लेते हुए, तो वो इतने अच्छे हैं, क्या उनका तंजो मिजा है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं चश्मे के साथ। अब मैं क्या क्या बताऊं उनके बारे में। अगर आप लोग उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इससे पहले कि वो वहां पे खांसते रहे, मैं उनको बुलाना चाहूंगी, लेकिन मैं नहीं, प्यारी सिहना जी बुलाएंगी उन्हें। जी तशरीफ लाते हैं पंजाब के सीनियर वजीर सैयद हसन मुर्तजा। कैसा लगा आपको अपना इंट्रोडक्शन? बड़ा अच्छा जी, भोले भाले से, हसीन उन्होंने प्यारे से, गुल खिलाते, टुकुर टुकुर देखते, मुस्कुराते, हंसते हंसाते, मतलब किसी ने की कभी इतनी प्यारी तारीफ आपसे पहले इस जमाने में, आज के दौर सारी तारीफ जन्म में, मतलब वन गो में उन्होंने की है आपकी, नॉन स्टॉप तारीफ हुई है कि आप आए हैं तो ऐसा लग रहा है इसके बाद शो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। यार प्लीज बैठिए, प्लीज तशरीफ रखिए। रिज कैसी हैं आप और आजकल क्या हो रहा है? मैं प्यारी, आप कैसी हैं पहले तो ये बताएं। माशाल्लाह बहुत प्यारी। मैं भी बिल्कुल ठीक। आजकल क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? बेसिकली काम हो रहा है, लेकिन आई एम जस्ट डूइंग शोज नाउडेज, नॉट एनी ड्रामा प्रोजेक्ट्स एनीमोर। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ शोज, थोड़ा सा बताइए। कॉर्पोरेट लेवल के जो शोज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, उनकी होस्टिंग कर रही होती हूँ। सो आई हैव अ प्लान टू गो टू यूएस एज वेल, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड शोज होते हैं यूएस में, कनाडा में, यूके में, and it continues from August till October. तो मैं अक्सर जाती हूँ वहाँ होस्टिंग के लिए, सो इस दफ़ा भी प्लान है, होपफुली इंशाल्लाह, लेट्स सी। जबरदस्त, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर शोज एंड इंटरनेशनल टूर्स। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कोई सरकारी शोज भी मिलने शुरू हुए हैं या वही खान साहब वाला हाल है, क्योंकि शाहजी ये अब आपके साथ ही हैं, उनकी हुकूमत ही चल रही है, तो ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, कोई सरकारी शोज मिल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं ये लोग? असल में मुझे लगता है थोड़ा सा मैं जब जज्बाती हो जाऊंगी, जरा सा सियासी हो जाऊंगी, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाऊंगी, फिर मेरा जो है ना वो अटेंशन ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं शाहजी? मुझे तो अब भी कोई इतराज नहीं है कहते हैं अभी भी इतराज नहीं, अभी भी डाइवर्जन पे आ जाए है ना फिर, लेकिन मैं यू टर्न नहीं लूंगी। नहीं वो मैं तो पहले ही उसके हक में नहीं हूँ। देखा, तो कोई शोज, सरकारी शोज मिल रहे हैं? क्या ख्याल है शाहजी, कुछ करें, कुछ सरकार के साथ मिलके कुछ काम करें? अब हम एक ही पेज पर हैं, एक ही पिच पर हैं, एक ही लाइन ड्रॉ करके हमने सोफा सेट किए हुए हैं और एक ही होस्ट के साथ और इतने सारे कैमरेज हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है, तो क्यों ना हम कर लें कोई सरकारी शो साथ साथ, पास पास रहकर। बिल्कुल करना चाहिए जी, है ना। जिस तरह से आप पूछ रही हैं, शाहजी से कहाँ से ना होगी। शाहजी हाँ ना करना शो, उधर देना तुझी ते पेट्रोल साडा वधा देना जे। वैसे शाहजी मैं नोटिस कर रही हूँ आप ना नहीं कर रहे। पता चलता है कोई फनकार ही है। तुहाडी राय है या जाती तजर्बे? गुड वन, मेरा मुशाहदा है। और जब ये फनकार का जो फन है, अगर ये इंग्लिश वाला हो जाए तो क्या बात है शाहजी। और फन तो वैसे ही बहुत मशहूर है शाहजी का, सब yes, अक्सर yes. उसका मुजाहिरा करते रहते हैं है ना, तंजो मिजा, फन, बातें, और वो जो कॉमिक सेंस है में है ना जी, वो तो है जी. मेरे अकवाले जरिए हैं जी। हाँ जी, उन्हें आप ये तो नहीं कह सकते हुँ. लेकिन फन जो है वो दोनों सूरतों में अच्छा है जी। जी शाहजी मैं बड़ा नाराज हूँ तुम्हारे तो, और मैं सेहत तो अंदाजा हो रहा है लेकिन मैं फिर भी नाराज हूं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾਹਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਰਾ ਭਰਪੂਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟਰਾ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਕਾਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਚ, ਸੋਹਣੀਆਂ
ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦੇਗ ਖੁੱਲੀ, ਦੂਜੀ ਖੁੱਲੀ, ਤੀਸਰੀ ਖੁੱਲੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਗਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲਤੀਫਾ, ਇਹ ਹਮੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਤੀਨ ਦੇਗੋਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਲਤੀਫਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਤੀਫੇ ਦੀ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਕੋ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਇਸਕੀ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਕੋਈ ਆਪਕੋ 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਜ ਤੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਬ ਤੋ ਸਿਰਫ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਕੋਈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਲੱਭ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ DPO ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ DPO ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ DPO ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਧੇ ਹੀ ਰਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਨਕੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਾ ਆਪ ਲੋਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੇਂਗੇ? ਵੈਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਪ ਲੋਗ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਤ, ਹਮ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿਆ PTI ਕੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, PTI ਕੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਜ਼, ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਰੇਡੀਓ ਪੇ ਆਤੀ ਥੀ, ਕਿਆ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਆਪਕੋ ਦੇਖਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਕਿਆ ਵੋ ਜਾਣਦੇ ਥੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖਨੇ ਮੇਂ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਆਪਕੀ TV ਪੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ, ਉਸਕੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕੀਆ ਥਾ। ਅੱਛਾ, ਰੇਡੀਓ? ਐਵਰੀਬਡੀ ਨਿਊ ਮੀ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ। ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਆਫ ਵਿਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਰਸਟ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕੀਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੋ ਯਾ ਰੇਡੀਓ ਕੋ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਵੋ ਕਾਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਕੋ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੋ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦ ਆਲ ਆਫ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ, ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਡੂ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਕੁਕਿੰਗ, ਇਟਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਇਟਸ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਥਾ। ਹੋਸਟਿੰਗ ਮੇਂ ਯੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਯੂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਕੈਰੇਕਟਰ ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਦ ਡਰਾਮਾ। ਕੈਰੇਕਟਰ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਰਿਸਕ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਬਟ ਹੋਸਟਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀ, ਦ ਵੇ ਆਈ ਟਾਕ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਦ ਸੇਮ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਟੀਵੀ, ਇਟਸ ਐਨੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਔਰ ਹੋਸਟਿੰਗ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਭੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਬੀਚ ਮੇਂ ਫਲੇਵਰ ਆ ਗਿਆ ਥਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਾ, ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਈਵਨ ਔਨ ਰੇਡੀਓ, ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰੇਡੀਓ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਊਰ ਲਾਈਕ ਫਿਊ ਆਫ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਰ ਸੋ ਹਿੱਟ, ਟਰਕਿਸ਼ ਕੰਟੈਂਟ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਆਈ ਡਿਡ ਹੂਰਮ ਕੀ ਡਬਿੰਗ, ਦੈਨ ਇਸ਼ਕ ਮਮਨੂ ਮੈਂ ਬੀਤਰ ਕੀ ਡਬਿੰਗ, ਦੈਨ ਫਾਤਮਾ ਗੁਲ ਮੈਂ ਫਾਤਮਾ ਗੁਲ ਕੀ ਡਬਿੰਗ। ਤੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨਿਊ ਮੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵੋਇਸ ਐਸ ਵੈਲ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਤੋ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਹਿੱਟ ਕੈਰੇਕਟਰਸ, ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਅਪਰੋਚਡ ਮੀ। ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਤਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥਾ ਇਸ਼ਕ ਮਮਨੂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਹੂਰਮ, ਪੀਪਲ ਵਰ ਸੋ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਿਲ ਨਾਓ, ਅਭੀ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਪੇ ਔਰ ਵੈਸੇ, ਤੋ ਵੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਬ ਆਪਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਰਿਸ, ਕਿ ਆਪ ਵੋ ਜੋ ਹੂਰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਥੇ ਉਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਬੋਲੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ ਆਪ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ। ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਣੇ ਕੀ ਇਸਮੇਂ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ? ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਰਮ ਕੋ ਦੇਖੂੰ ਤੋ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੇ ਹੁਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਕੋ ਐਸਾ ਡਾਇਲੋਗ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਾਸ਼ਾ, ਵੋ ਕਿਆ ਸਮਝਤਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਕੋ ਮੁਝਸੇ ਛੀਨ ਲੇਗਾ? ਐਸਾ ਮੈਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ, ਆਪ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਂ ਬਸ ਚੁਕੇ ਹੈ। ਆਪਸੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋ ਅਧੂਰਾ ਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤੇ ਹੂੰ। ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕੀਜੀਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਾ ਕੀਜੀਏ, ਵਰਨਾ ਯੇ ਦੀਵਾਰੇ ਮੁਝੇ ਕਾਟਨੇ ਕੋ ਦੌੜਤੇ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨ।
आप सिर्फ मेरे सुल्तान हैं, है ना? इस गल ते पक्की रवि हो ना। And we are right back after the break. You're watching Taro Se Kare Baatein. Saji, वैसे आप लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है और तनकीद उन पर हो रही है महंगाई की वजह से और आप लोग यहाँ पे वजारतों के मज़े लूट रहे हैं, क्या कहेंगे? कतन ये बात नहीं है जी, हमने नून लीग को आगे नहीं लगाया हुआ। आज मुल्क को ज़रूरत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की, हम साथ खड़े हैं उनके और इंशाल्लाह ताला इन चैलेंजेस से मुल्क को हम कठिया निकालेंगे इंशाल्लाह। खान पीन बांधी तो कोट खान रेचे, ये क्या बात हुई? मजे लेने के लिए ये है और जवाब देने के लिए नून लीग। मैं मजा ले लिया सी, महकमे जे मिले नहीं मजा ले जाने। ये सही है कि जरदारी साहब तो बगैर वफा च हुकूमत नहीं सी बनी, लेकिन पंजाब च एडा वड्डा कट लै लिया तुसी। तू केड़ियां गल्लां ते गौर करन डया? तू ए वेख मैडम रिजक कमाली जिहड़ी बैठी है, उन्हां दा पल्लू आ जिहड़ा उते पीको होई है कि नहीं होई है? तू उन्हां दे नाल वड्डियां हुकूमत दियां गल्लां आखरी आखरी करन डया इना जी? इहनूं इन्ना जनाना शौक है, इहदी टाई वेख रहे हो? हां जी, इहदे नाल दा मैचिंग पर्स लै के आया नाल। ए वेखो बिल्कुल मैच। और बाकी तो लोग इहदे च ऐनका पाउंदे ने, देखो लिपस्टिक ते दो ते नील पालशां रखियां इहदे विच। आली इक लिपस्टिक ते दो नील पालशां नहीं है, फिर दो मस्कारे भी रखे ने नाल। यकीन करो मस्कारा इत्थे रख के ना अखां उत्ते थल्ले करदा। शायद मैं दूसरे रोल भी करता रहता ना शीमेल ड्रामो में। हाँ, कार भी उदा ही चले जाता सी। रिस, एज एन आरजे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉल्स आती होंगी, बहुत सारे कॉलर्स आपके फैंस भी होंगे, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जो किसी कॉलर के साथ पेश आया हो, आपने उसकी कॉल ली हो और कोई बहुत आपका डाई हार्ट फैन निकला हो, हमारे साथ भी शेयर करें। यूएस में भी मैंने एज आरजे काम किया एक्चुअली, ह्यूस्टन में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल्स का ट्रेंड है। यहाँ जो मैं शो करती थी वहाँ पे लाइव कॉल्स नहीं थी, हम ओकेजनली लाइव कॉल्स देते थे, ठीक है, बट मेरे जो FM के जो कुछ लिसनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, एक बंदा तलागंग में होता था, वो कराची आ गया एंड ही केप्ट ऑन फॉलोइंग मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब शूट पे जाती थी और इत्तेफाक से वो मिला मुझे तब, जब मैं जो है न्यूप्लेक्स में थी, मूवी देखने हम फ्रेंड्स गए हुए थे, okay. कुछ दिनों तक वो मुझे फॉलो कर रहा था एंड देन वहां उसने डिस्क्लोज किया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको देखने एक नजर आया हूँ और इस तरह से। ये एक नहीं है वाकया, एक लड़की थी, मैं लाहौर में थी और इधर कैंट पे मेरा स्टेशन था, तो मैं जाती थी वहां पर रात में लाइव शो करने, तो जब मैं पहुंची हूँ तो बारिश बहुत तेज हो रही थी लाहौर में एंड शी वॉज आउटसाइड crying and raining, दोनों से उसका मुंह जो है ना वो मतलब भीगा हुआ था, and she was literally wanted to just have a look कि ये बंदी से मुझे एक दफा मिलना है, और साथ वो barbecue लेकर आई भी थी, और मैंने एक दफा बोला था अपने शो में कि मुझे सोन हलवा बहुत पसंद है, तो दो बड़े बड़े पैक सोन हलवे के थे जो भीग चुके थे बारिश की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, मेरे ज्यादा फैंस इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माय टीवी बट बिकॉज ऑफ माय आरजेइंग थिंग, बिकॉज जब आप रेडियो पे होते हैं ना, स्पेशली नॉट होस्टिंग लाइक दिस ऑन टीवी, बिकॉज टीवी पे देयर आर सो मेनी पीपल, जैसे आपके अलावा हम लोग सारे हैं, सेट है, लोग हैं, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, बट ऑन FM या ऑन रेडियो इज जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल लिसनर एंड होस्ट, आप उनकी लाइक उनकी समाते और आपकी आवाज। रोटी भी कहते वो ना, मैं तुम्हें बता रही थी ना, वो वहां मैं यहाँ से वहां की हूँ, वहां से मैं यहाँ जब आई तो मुझे कितनी परेशानी है, छोड़ छोड़ ये मैं खाऊंगी सारा। अच्छा रे, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, सिंस यू आर सो गुड एट इट, आप तो आरजे हैं, आपने जिस तरह से अपना शो शुरू करती हैं, जिस तरह से होस्टिंग करती हैं आप अपने, आप सोचो कि इस वक्त आप रेडियो स्टेशन में और आपने अपना शो स्टार्ट करना है और शाजी जो है वो कॉलर हैं, उनकी कॉल आती है आपके शो में, वो कोई गाने की फरमाइश करते हैं या कुछ भी, एनीथिंग, शाजी आप जो भी बोलना चाहते हैं आपके पास मार्जिन है। शाजी है साढ़े हाथ जुड़े हैं, थोड़ी मेहरबानी, सिर्फ गाने की फरमाइश करनी है, अगली फरमाइश कोई नहीं। ओके, क्योंकि शो मेरा रात 12 से 2 तक लाइव होता था, तो उसी हिसाब से एक एनवायरनमेंट और एम्बियंस होता था और वही सूदिंग से एक आवाज़ और सॉफ्ट सा मेलोडी सा म्यूजिक भी होता था। सो आई यूज्ड टू स्टार्ट लाइक दिस के सितारों की बारात में, तारों की छाँव में, आपके पास, आपके साथ, आहा हाँ, दूर ना जाइएगा, मेरे पास रहिएगा, आपका हाथ थाम के आपकी रिस्क कमाली आपको लेके जाएगी उन सपनों में जहाँ आप जाना चाहते हैं। आइए ना, अभी तो आगाज़ हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे अभी से कॉल,
हेलो शाह जी, ये कॉल आपने की है, जरा मेहरबानी करें। मैं तो मिस कॉल की थी। आपकी कॉल लग चुकी पर है। मैंने पिक कर ली है, मिस नहीं होने दी। हेलो हेलो जी, कौन है हमारे साथ? अब मैं आफताब बोल रहा हूँ जी। अजय वजीर का हाल जाली नामा तो फोन करते ने। अच्छा जी, तो जहाँ हमने बात की तारों की, वहाँ आफताब भी हमारे साथ आ गए। जाहिर सी बात है, सितारे और आफताब तो साथ साथ ही होते हैं ना। अब बताइए ना, क्या कहेंगे आप? रात का बड़ा पिछला पैर है और मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ। बस सिर्फ एक ही गाना, मेरी आवाज में या किसी और के? नहीं, आपकी आवाज। शाह जी, रात को तो अच्छा म्यूजिक सुनो, किसी और की आवाज सुन लो। उन्हों का मकसद ही नहीं गाना सुनने का। मैं इन्हीं की आवाज में सुनूंगा। जो आप सुनना चाहते हैं वो गाना है? जी, वो गाना है। अच्छा, कितनी देर तक? सारी जिंदगी। ये फरमाइश आपके दिल की है या जज्बात इनके हैं? नहीं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, कॉल में हल्के हल्के बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप साथ होते नहीं है कभी, बारी आई मेरी आवाज की तो आप साथ भी हो गए और पास भी हो गए। दो लोगों के बीच में तीसरे की गुंजाइश ही क्या है? जो दो बड़े बंदे गल कर रहे हो ना, उनके मुदाखलत नहीं करी थी। बड़े साडे सामने खराब होंगे, ये भी नहीं साडे को बर्दाश्त होने। लो जी, अब हमने मुदाखलत नहीं करनी, हम लोग न्यूट्रल हो गए। अच्छा चलें जी, ये तो न्यूट्रल गियर में चले गए। तो अब हमें काम करते हैं कि जब मोहब्बत साथ साथ होती है तो डुएट सॉन्ग होना चाहिए, आप और मैं मिलके गाते हैं। फिर आप आ रही हैं? मैं आपके पास हूँ, आप महसूस तो कीजिए। आपके समातों में मेरी आवाज है, रस घोल रही है, माहौल देखिए, कहीं सांस बज रहा है, टन 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 टन। हाँ देखे तो सही, अरे मुड़ के देखे, मैं आपके पीछे ही तो हूँ। आपको क्यों लग रहा है कि मैं दूर हूँ? मैं पास पास हूँ, बस सिर्फ आप लय से लय मिलाइए और ताल से ताल मिलाइए, संगीत मैं खुद ही लेकर आ जाऊँ। जिस तरह तुझे कहा ना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ, तो शाह साहब अगर फोन पे होंगे तो इन्हें देखने लग जाना। किधर है आप? जो भी सुना दें जी, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। चले कोई बात नहीं, हम गाना नहीं सुनाते, हम वैसे बोल देते हैं, दिल ने ये कहा है दिल से। नहीं नहीं, आप गा के ही दिखाएं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार है ये दिल उतना खुद को बेकरार ना करना, वरना मुसीबत में पड़ जाएगी सारी पार्टी। बता रही हूँ मैं, आहो। क्या जी, मैंने आज लगता तो चिनोड़ तो अग्गे नंगे सरगोदे जाके पता लगना तुहानू। शाह जी, आज पौना घंटा तुहानू घर जाके माफियां मंगनियां पैनियां जे। घर सारे माफियां मंगदे ने, मैं कल्ले ने नहीं मंगनी है। लेकिन तुसी अपनी माफी बता रहे हो। अरे मंग लांगे यार। अभी इंजॉय कर लो, ये फॉर्मूला वैसे लाइफ में होना चाहिए, बिकॉज यू हैव नो आइडिया के फ्यूचर में क्या होगा। आज को एंजॉय करें, लिव इन द मोमेंट, नो मैटर कल क्या होना है। पीपल पार्टी वाले बंदे होंदे ही इंजदे ने, इन्हां लत्थी चड़ी नाल कुछ नहीं हुंदा जे। खून पे 40 पर्चे भी होए में ना, फिर भी एंजॉय करते हैं। खाने से बैठे कहते होंगे यार चल वेले आए, गाना सुनाओ सुनाओ, ये नहीं घबराते किसी गल तो। बड़ा तजर्बा है बहुत। और अब डमी म्यूजियम से तशरीफ लाते हैं बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब। कनेड से अंग्रेजी लिटरेचर किया, लेकिन यकीन माने कोई टीचर इस तरह की अंग्रेजी बोलता ही नहीं था। एने कनेड तो स्टेचर की था। चाची, क्या बहुत शुक्रिया तुसी आज आए हो। अब मेनू तो दम करो, मेरी इन्होंने कॉमेडी भी बनी थी, हुकूमत भी बनी है। तो मैं पहले दम करांगा फिर यकदम करांगा। ये सब तो बड़ा आर यू शट अप सैटरडे
don't strike. Don't forget. Rashi, coming soon. 10 July, Metropole Cinema. Oh, then shut up. Pehle to ke mara chupeda then shut up. Dada tari the Kashmiriyon no jape. Oh, don't forget. Buy one, get one free. Main kya kiye? Kaisa namurad aadmi hai, Chadi. Acha. Bili me wale din boss ki da kurta paag thale lagi pa rahi. टाई ला के बर्फ लैन गया तो कोई शापर नहीं सी है बर्फ वाले को ते टाई ने बर्फ बन लिया अब आर्मा लैन गया तो उन्होंने कहना पैक कर दियो हाँ। उन्हें दोनों पास पैक कर दिया कहता वो तो थोड़ा ना पाड़ दे लोगों ने मुंह देखना आर्मा लैन गया तो जाके ना भुल गया कहना कीमे वाली बांसरी दे दियो राशिद कमाल ने गोल गप्पे लाए तो खट्टा बनाया ही नहीं क्यों मैं कहा खट्टा क्यों नहीं बनाया कहना लोगों का वैसे ही मैंने वेख के दिल खट्टा हो जाता ये नारे बजने ही बजने ने वोटा पाओ वोटा पाओ वोटा पा के शेर नू जताओ मिये दे नारे बजने ही बजने ने मिये दे नारे बज जिए भुट्टो मियां साहब शाहजी आए हैं रिस्क कमाली आई हैं इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है आप इनसे बात कर सकते हैं शाहजी आए हैं रिस्क का ये आई डोंट केयर आपने बिगाड़ दिया इतना बड़ा रिस्क मैं इनको लगती हूँ कि रिस्क से मुझे रिस्क बना दिया अब तू वाला है तो सबको चाहिए इंग्लिश वाला है तो किसी को नहीं चाहिए बड़ी तेज हो हाय अल्लाह क्या करूं आर यू मैरिड आई डोंट थिंक यू वांट अ कलम ला ला लम नो गब ला ला लम यू कैन परफॉर्म नो डोंट डोंट टीम ला ला लम नो केश ला ला लम आर यू मैरिड आई एम सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल आई एम सिंगल दिस इज द फिंगर स्पेशली आई एम नॉट गोना आंसर टू योर क्वेश्चन लाइक दिस नाउ बच्ची कहती तुसी मेरे को यूके भेजो ना एज मैं ठीक आपके भाई से मुल्क इकॉनमी तो ठीक होने रही आप कैसे ठीक करेंगे इकॉनमी ठीक होवे ना होवे असी जरूर ठीक ही दी मियां साहब सुने साग डार को भेज रहे हैं आप हां नाल 5 किलो पालक भी भेज रहे हैं शाहजी से बात करें पार्टनर है आजकल आपके मेरे पार्टनर नहीं है मेरे पार्टनर जरदारी साहब तो बड़ा साथ दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का आप कह रहे हैं आपके पार्टनर ही नहीं है जरदारी साहब इनका साथ दे रहे हैं मेरा कोई साथ दे रहे हैं कोई कह रहा है मियां साहब वापस आ जाओ असि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਰੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਤੂੰ ਅੰਬ ਚੂਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੂਸਣ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ ਤੇ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਾਤیں ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਰਿਸ ਨਾ ਕਰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ आपको देख के ऐसे ख्यालात आते हैं मैं क्या करूं प्यारे से तो आप हैं मैं ऐसा तो नहीं हूं रे आए आप वैसे ही हैं ऐसे भी हैं और वैसे भी हैं कितना प्यारा मुस्कुराते हैं फिर ना कहिएगा मुझे क्यों निकाला मुझे अच्छे लग रहे हैं आप दूर दूर निकले हुए लेकिन फिर भी दूर से बहुत ही प्यारे दिखते हैं जाने पास आके कैसे लगे दो चाव फड़े गाल नहीं मुकड़ी ऐसे करेंगे बाप तो फिर कैसे होगा मुझे बताएं तू तो भीतर मेनू चंगे ना लग रहे हो Where is Bitter? Bitter is inside me. Just try to find it out. आप Bitter वाले अंदाज में चाहते हैं कि आपसे बात करें? नहीं अपने अंदाज ही कर लेना वही बड़ी है। मैं तो Bitter हूँ आप बहलूल बन के दिखाएं। नहीं वो बने मैं आपको Bitter तक हूँ। अच्छा आप मुझे Bitter देखना चाहते हैं? हाँ। टुकुर टुकुर करके हाँ। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात है वाला सीन करना चाहते हैं देख ले फिर शर्माए ना अभी से जी देखो मैं देख ना ना हाथ बांध लिए आपने इरादे ठीक ही लग रहे आपके आहो ना 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 ऐसे ना मुस्कुराए कुछ कुछ होता है मेरे गुगु 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 यार तेरी उर्दू नंबर है दी हिना जी ये बच्ची सानू दे दियो तुसी क्यों ए मरियम औरंगजेब दी जगह ते लानी है सी तेने दी जगह ते तस्वीर ला देनी सी किसकी आ ए लोड मरोड दी जी कैसा मजा आ रहा है तन्नू हमसा मैं काम करदा ताडी ते सुनदा ना ताडी ते सुनदा ही नहीं बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जी कोई ऐसा इशू ही नहीं अच्छा जी सुनेगा ते तद जदो मिलेगा अजे तक ते मिलया ही नहीं उन्होंने भी कोई जुगत करदे हमसा नू नहीं असि पता नहीं किन्ना अरसा इकट्ठेया रहना असि क्यों मजाक करिए कि दोस्त मजाक ते मेरा भी बर्दाश्त नहीं करदा ओ ते मेनू कहंदा ताया बू कोई काम दी गल करो ते काम दी गल तुहाडे को है कोई नहीं साडे को तो है जिन्नू मर्जी करा ले भावें बच्चे नू दे दे जाके तुसी चाहुंदे हो कि ताडी हुकूमत 1 साल चल जावे हां जी ते कोई वजीर आजम अच्छा ला लो ते इत्थों चले जाओ और हम
हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। रिज जी, जी मैं कुछ सियासतदानों के नाम लूंगी, आपने एक जुमला बोलना है उनके लिए। आसिफ अली जरदारी साहब, क्या मूछ है उनकी। कुछ नहीं थे कुछ नहीं, ये बात उन्हीं की उन्हीं के लिए कही गई। मुछ नहीं थे कुछ नहीं, तो राणा सनाउल्ला के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। टिक 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 टिक। ऐसे गाने तो पीटीआई के यूट्यूबर गा रहे हैं राणा साहब के लिए। राणा जी माफ कर देना, गलती हमसे हो गई। यस, लेकिन वो राणा ही केड़ा जेड़ा माफ कर देवे, है ना। राणा ने नहीं करना, वो लग गया जेलां पर। इमरान खान साहब, यू टर्न। नवाज शरीफ साहब, हजरत पाए। वैसे वैसे बातें बनी है, उनको ज्यादा आलू गोश्त ही पसंद है, आलू गोश्त ज्यादा शौक से वो खाते। मरियम नवाज साहिबा, आई वुड से फैशन आइकन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लिटरेट एंड अ गुड ह्यूमन। गुड ह्यूमन एंड लिटरेट, थैंक यू रिस। शाह जी, अब मैं आपको कुछ नाम दूंगी, आपने उनकी तीन खूबियां बतानी है और तीन आपने उनकी बुराइयां करनी है। लेकिन जिन लोगों के मैं आपको पहले नाम बताऊंगी उनकी आपने पहले तारीफें करनी है तीन, जो बाद में नाम बताऊंगी उनकी तीन बुराइयां करनी है। तो पहले आपने तारीफों वाले नाम मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान साहब, तीन तारीफें। बहुत बड़े आदमी है जी। बड़े आदमी है एक, नंबर टू बात करते हैं और उस पर कायम नहीं रहते। बड़ी बड़ी बातें करनी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं करनी और उन पे ये उनकी खूबी है। चले आखिरी खूबी बता दें, आपको गुड लुकिंग लगते हैं खान साहब? वर्जिश अच्छी करते हैं और हेलीकॉप्टर पे सफर करते हैं जी, ये भी खूबी है। मेरे से तो साइकिल पे नहीं जाया जाता। फवाद चौहान साहब, नहीं नहीं फवाद से बड़े अच्छे ताल्लुक हैं जी, भाइयों की तरह है, बड़ा खाता बहुत है माशाल्लाह जी। अच्छा, ये ठीक है, खाते बहुत है, खुश खुराक है मतलब? हाँ जी, खाते पीते घर से हैं। ठीक है, नंबर टू। और ये दो हो गई ना? नहीं, ये मतलब खुश खुराक हो ना, खुश खुराक है, एक है खाते पीते घर से है। अच्छा ठीक है, बोलता बहुत अच्छा है जी, बोलते बहुत अच्छे हैं। अंदाज आपको पसंद है उनके बोलने का? नहीं, मुझे उनका अंदाज नहीं पसंद, मुझे उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना जी, वो बहुत पसंद है। ओके, तो फवाद चौधरी साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, खुश खुराक है, खाते पीते घर से हैं, ये उनकी खूबियां हैं। शेख रशीद साहब की अब तीन खूबियां बता दें। शेख रशीद जेड़ा है ना जी, जी उन्हें डिस्कस करना भी इंसानियत की तजलील है। तुसी काइंडली कोई बंदा बदल लो, उन्दे च कोई खूबी नहीं है। मतलब ये खूबी नाल ज्यादती होएगी। अच्छा, तुसी बंदा बदल लो। चले बुराइयां बता दें तीन उनकी। यार उन्हें जरूर करना है, तुसी और बंदे मुक गए ने। मुझे लगता है आप खूबियां इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। बुराइयां चले अब आपने बतानी है, और आपने कहा बंदा बदल लो, अब मैंने आपकी फरमाइश पे बंदा बदल लिया। बंदा उन्हीं में से बदलना है। बंदे आपके पुराने 40 साल पुराने मुखालिफ होंगे, आप इजी रहे। हमजा शहबाज, चले आपने अब बुराई बतानी है तीन, क्योंकि खूबियां आपसे नहीं सही बताई गई, अब बुराइयां बता दें हमजा साहब की। बुराई मैं पीठ पीछे बुराई नहीं करता। आप समझे, हमने आपके सामने उनकी फोटो लगा नहीं, उन्होंने ऑनलाइन तुसी ले लवो, मेरे सामने और मैं जरूर करांगा। सोचे मैं गीबत नहीं कर सकता, मैं शरई तौर पे भी इसके बड़ा खिलाफ हूं और मैं इखलाकी तौर पे भी इनके बहुत खिलाफ। अच्छा, खान साहब की तीन बुराइयां कर दें। मैं गीबत के खिलाफ हूं। पतली गली से आप बच के निकलना चाह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े मियां साहब, तीन बुराइयां बताएं। मैंने पहले आपसे अर्ज की है कि मैं पीठ पीछे बुराई नहीं। बड़े मियां साहब बेचारे वैसे एग्जाइल में हैं और वो उन मजलूम हैं, उनके खिलाफ इतना कुछ हुआ है, मुनासिब नहीं लगता। आप चले छोटे मियां साहब कर लेते हैं, बड़े मियां साहब को भी छोड़ दें आप। छोटे मियां साहब ना तो प्यार ही है ना, अजकल तो इन्होंने हवा नहीं निकलती, उन्होंने खिलाफ कि गल करे। सही बात। Really? आप चाहती है छोटे मियां साहब के खिलाफ बात करें? मैं तो चाहती हूँ, मेरा तो सेगमेंट ही यही है। तो फिर आप जनरल इलेक्शन में इनका इंटरव्यू कीजिएगा। उदों देखना जो इन्होंने इलेक्शन लड़ना, वो एक दूसरे दी लब लब बुराइयां करनगे। 2023 तक मेरे नाल रहनगे। मैं और रिज़क कमाली सारी जिंदगी आपके साथ ही हैं। अब मैं जिन्ना भी अगे चला जावा तुहाडे तिकर नहीं आऊंगा।
नाज़रीन आज हमने स्पेशल सेगमेंट डिज़ाइन किया है अमेरिका में गन कल्चर के हवाले से. अमेरिका एक सुपर पावर है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अभी तक वहाँ पे असला साज कंपनीज के खिलाफ कोई लेजिस्लेशन पास नहीं हो सकी. वहाँ पर इस चीज़ की इस तरह से मार्केटिंग की जाती है जिस तरह से बिस्किट चॉकलेट की मार्केटिंग की जाती है. और आज हमारे पास यहाँ पर इस वक्त स्टूडियोज में कुछ अमेरिकन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गन कल्चर कैसे ख़त्म होगा और वाई आर दे सो एग्रेसिव. छोटी छोटी बात पर मतलब ये लोग वेपन्स ले आते हैं और फिर रेसिस्ट भी बहुत बड़े हैं ये लोग. वैसे तो दूसरों को प्रीच करते हैं कि रेसिज्म खत्म होना चाहिए, लेकिन इनसे जानते हैं कि ये लोग आखिर चाहते क्या है, गन कल्चर कब खत्म होगा, ये रेसिज्म कब खत्म होगा, इस चीज से कब आप लोग बाहर निकलेंगे. हीना जी, जे तू एक दी गल साडे होर खिलाफ कीती तो मैं तेरे सोफे ते गोलियां मारा. As if I'm scared of you guys. नु कुछ ना कहो, इने गल करती है ते भांड मार दे. खबरदार वहां देखने की कोशिश की, पहले ही मेरे पास सिर्फ दो भांड रह गए हैं. जड़ा मियां बीवी बैठे हैं. बस ये आपस का बात है ना जी. ओ कुर्सियां खाली बहुत सोनिया लगन गया. आई विल किल यू मैन. ना शुक्री ना कर, गोली खा ला है, पता नहीं फिर कदों कोई मारे ना मारे. ओनु कोई अच्छी गल कर मर जाएगा तू गोली मारन दे. सुबह वाशिंगटन डीसी में बर्गर लिया, उन में क्या डबल चीज पाओ, उन्हें नहीं पाई, मैं पूरा प्लाजा ही मार देता. ये पूरे प्लाजे में घुस के लोगों को मारना, ये क्या नॉनसेंस है? बल्कि जिससे मसला है उसको भी क्यों मारना है, बैठ के मसला हल करो. यही तो सारा अमेरिकन का मसला है. तानु गुस्सा किसे तो है, तो कोर्ट कैसे किसे नहीं कही जाने. आप लोगों को ये पता है कि हर साल इतने लोग हादसों में, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, नेचुरल डेथ से नहीं मरते जितने ये वेपन कल्चर की वजह से, गन कल्चर की वजह से मरते हैं. सानू ते गन्ना दा शौक ही बड़ा जी. मैं ते अपनी शादी वाला जेवर बेच के दो पिस्तौला लिया. मेरा टाइम पूरा चल रहा सी ना, मैं निखा मुंडा गिरवी रख के गन लई. जाहिर है जिस तरह से आप लोगों के हाँ गन कल्चर है और जिस तरह से ये गन्स और वेपन्स को प्रमोट किया जाता है, आप लोगों की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होगी कि आप लोग असलिया ले लें. हिना जी, मैं किस तरह मशीन गन लईए, अब्बा जी नु गुर्दा नहीं पुआ के दिता, मशीन गन ले लई. मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लीती तो गन ले लीती. नहीं, मैं जो बंदूक लईए सब तो पहले अपने मुंडे ते चेक की थी डूस करके. क्या वो अभी तक जिंदा है? मुंडा बच गया, मेरा अब्बा लगा गया. गन ले लिया, पहले निशाना लाना नहीं सीखे. छोटी जी गल ते देखो इना जी, गोली चला देंदे. हां जी, पाकिस्तान ठीक नहीं, आ किसे नु इट मार आवे, गाला कटावे, इनु गोली कोई मारदा ही नहीं. ओ कहंदे 300 दी गोली है, टके दा बंदा नहीं. ये अब छाड़ ली है जी. ओए बड़ा जलील होया अपनी बीवी को. ओ कैसे? कहंदा और मेरे घर पुत्र होया तो मैं खुद से नचावांगा. कहंदी नहीं, मेरे पास तुम हो. मैंने ना बाबे पीटर ने दसिया कि मेरी सास मेरे ते तावीज कर दी है. अच्छा. ना जी, मैं अपनी सास नु ते कुछ नहीं किया, मैं जाके बाबे दी बैठक ते फायरिंग कर. मैं के ना होएगा बाबा ते ना दसेगा के तावीज पे ने. तो बैठक बच गई सी? बैठक ते बच गई सी, बस ओदे तो बाद ओदी उठक बैठक जरा बदल गई. इना जी, मैं ते अपनी बीवी नु कहया के दही ले विच चीनी पा. अच्छा. उन्हें चीनी घट पाई है, मैं अपनी बीवी नु कुछ नहीं किया. फिर जिस दुकान तो चीनी ले आंदी उस दुकान च डोस डोस कीते. मेसी ना, मैं अपनी अम्मी नु किया मैनु आलू बताऊं दूजी वारी दे, उन्हें नहीं दिते, मैं अपने 17 मामे मार दिते. मामो का क्या कसूर है भाई? वो मामियां दे सिर ते तिंगड़ी फिरदी सी मेरे. शाह जी, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? पूरी दुनिया में तो वैसे ही अमन की बातें करते हैं, अपने मुल्क के इनके आप हालात देखें क्या हैं? लई हाफिज है जी, इनका मैं तो सुन सुन के हैरान हो रहा हूँ जी. किस तरह से इनके माइंडसेट को चेंज किया जाए? इतने वायलेंट लोग ने जी, इन्हें तो माइंड के ने चेंज करने. ये जो वायलेंस है, क्या कोई कोई प्रॉपर इनकी कोई वर्कशॉप्स कराई जाए, कोई सेमिनार्स कंडक्ट किए जाए, क्या आपको क्या सोल्यूशन लगता है? इनते खौफ आ रहे तो मेरे वालों ही बड़ा गौर नाल देख रहे हैं. हीना न्याजी ने साढ़े नाल कोई पुट्ठी सीधी गल की, असि इन्हू कुछ नहीं करना, असि ये गेस्ट हां फायरिंग कर. एक्सक्यूज मी, मेरे गेस्ट की तरफ भी आप लोग ऐसे मत देखें, ठीक है ना? वेरी रिस्पेक्टेबल, बहुत ऑनरेबल गेस्ट है हमारे. सानू लेंस लगवा दियो, किंज वेखिए. हीना न्याजी, मैनू मेरे डॉक्टर ने कहा वॉक करिया करो, वॉक. अच्छा. मैं सुबह सुबह फर्क जाके उन्होंने लोगों ने गोलियां मारियां जेडे वॉक करते ने. मैं इन्होंने वेख्या तो मैं कह दिया. मिस हीना, मैं 6 नान लाए, मैं तंदूर वाला बार. क्यों? ਉਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਟੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਅਬ ਚਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਮਾਰ ਚੋ. ਕਿਉਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਨਾ, ਆਪ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਰੇਸਿਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? चिट्टा वो होता है तो काला है होता है. वो तो ठीक है, लेकिन आप पूरी दुनिया में ये चीज प्रीच करते हैं कि काला रंग ये नहीं अच्छा होता है, सारा रंग भी तो रेसिज्म को, ये रेसिस्ट नहीं होना चाहिए, रेसिज्म को खत्म करें. खुद आप लोग ये काले और चिट्टे की दौड़ से बाहर नहीं निकले?
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਰਿੰਗ ਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੋਖੇ ਠੱਗਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਾਲਾ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਐਫਰੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ? ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਦੇਖੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈਏ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਫੈਦ ਫਾਰਮ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਤੀ? ਆਪ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਅਸਲਿਆ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕੜਤਾ? ਵੈਸੇ ਤੋ CIA FBI इनको सब पता होता है कि क्या होने वाला है, दो साल बाद क्या होगा। आप लोगों पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी इदारे का। एक बार जिखाले ने मान दिया मुनेश ने क्या रहे हिना जी, और को आ गई FBI। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा पार्टी दिस, मैं कहा जड़ी छाई जी ले लो। वो अपनी मर्जी दिया गन्ना लेके निकल गए। क्यों? जाहिर है वो भी अमेरिकी ने, उन्होंने भी गन्ना चाहिए थी। एक बार थोड़े भाई जान लेट आए, मैंने कहते हुणे खाना गर्म करके ले आया। मैं कहा ठंडा खाना ही ते खा, मैं नहीं गर्म करंग। फिर मैंने चढ़िया गुस्सा ते मैं पिस्तौल कड़ी ते ओदे पियो दे पैरां च गोली मारी। गुस्सा आपको अपने खावन पे था, गोली उसके बाप को मार दी, क्या ये क्या है? सारा कसूर ही उदे प्यो दा है। ना उनु जमदा, ना वो मेरे पले पैंदा, ना मैनू वो कहंदा के खाना गरम लेके आ, ते ना साडा झगड़ा होंदा। इना जी रात दा मैं बेवा हो गया, मैं अपनी जनानी मार दिठी। ओए होए, कैसे और क्यों? वो लेट गई सी, पक्की नहीं सी चलन दई। वैसे पूरी दुनिया को आप लोग अमन का पैगाम देते हैं, आप लोग बड़ी पीस हार्मनी की बातें करते हैं, खुद आप लोग देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस पे जाके आप लोग फायरिंग करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, क्या मिलता है आप लोगों को इस चीज से? काइंडली इस चीज को खत्म करें और अमन के साथ रहें। जो लोग आपके साथ रहते हैं वो भी आप जैसे ही लोग हैं, इतना वॉयलेंट हो के क्या मिलता है आप लोगों को? मैं तेरे कुछ नहीं कह रहा, मैं तेरा ड्राइवर मारना जेड़ा तेनू लेके आऊं। देखिए आप लोगों ने नहीं सुधरना, जाए मेरी जान छोड़े मेरे शोर से जाए। तो फिर ठीक है, असी इस तरह नहीं जावांगे, असी ट्राई करदा ठाड़ी मार के जावांगे। भाई क्या है ये? बंदूक गर्म कर लो पहले। चले जाओ वरना PTI तुम लोगों को पकड़ लेगी। वो लोग पहले ही कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है। जे हो जी खान साहब की हुकूमत से 4 साल दी, दसो उन्हां दे खिलाफ सानू साजिश करन दी कोई जरूरत है? उन्हां दे खिलाफ मेन साजिश उन्हां दे वजीरां ने की थी। वो कैसे? 4 साल काम ही कोई नहीं कीता, बिल्लियां बह के खांदे रहन। इहदे नालों ते सारे नाल जांदे, 4 बंदे मार जी उन्हां दा नाम हुंदा। ओहो, आप लोग बंदे मारने की बातें बस करें, आप कैसे जाएंगे मेरे शो से? ओए पिछे जो, आज मैं हिना न्याजी दा चूहा मारा। ओए ओए ओए, चूहा इज रेडी। हाय, वो चूहा नहीं है, वो राशिद कमाल साहब हैं। ओए राशिद कमाल, चूहे नु मारते हो? मैं एक गल ध्यान च रखो, जिदे नाल लड़ाई हुंदी तुसी ओनु नहीं मारदे, किसे होर नु मारदे हो। मैनु मारो गोली। तुसी ऐसा करो, मैं चूहा मारना, तुसी नाल जेड़ा साहब लगा ओनु मार। चलो असी हिना ने असी दा चूहा नहीं मार सकदे, सी अपना चूहा मारने हैं। नहीं, कार दा चूहा ढाल बराबर। एक गोली खा ला। चल चल चल, गोली खा। सवेर दा जुकाम होया, एक गोली खा। नाल मैनु दूध दे दियो, गर्म हुंदी है, उसको नहीं खादी जाती। मेरे को बंदूक कोई नहीं, तू मेरे को चंडा खा ले। Yeah.